हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम कुकिंग डेकोर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ फिश करी। ज़्यादातर ये तो बंगाली डिश है, लेकिन फिश सबको ही पसंद है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिश को मैंने टर्मरिक और सर्व दे के मैरिनेट करके रखा है। फिर मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको पैन पे रोस्ट भी कर सकते हैं। ये फ्राई करके कुछ ऐसा दिखेगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मैंने हाफ कटा हुआ अनियन लिया है और गार्लिक पेस्ट। मस्टर्ड सीड को मैंने उबाल के रखा है और एक टमाटर लिया है। मैंने वो सब मसाला ब्लेंड कर दिया है। मैंने गार्लिक पेस्ट ऐड नहीं किया है और ऐसे कटा हुआ आलू लिया है। एक पैन में मैं मस्टर्ड ऑयल डाल के अभी करी स्टार्ट करूंगी। मैंने डाला अनियन। ज्यादातर नॉनवेज में मस्टर्ड ऑयल अच्छा रहता है, इसमें बहुत अच्छा खुशबू और टेस्ट भी बहुत लगता है। मैं अनियन को फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो अनियन का पेस्ट भी यूज कर सकते हो। अनियन गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें मैं डालूंगी गार्लिक पेस्ट। अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इसमें डाल रही हूँ क्यूमिन पाउडर। गरम मसाला पाउडर। मैं इसमें अदरक का पेस्ट नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि इसमें फिश में अदरक का पेस्ट मिलाने से वो कड़वा लगता है। सिर्फ गार्लिक का पेस्ट ही मैंने मिलाया है। मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। फिर मैंने डाला चिली पाउडर। चिली आप अपने हिसाब से डालिए। प्लीज फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मैं आपके लिए नया नया वीडियो लेके आती रहूंगी कुकिंग के ऊपर और डेकोरेशन के ऊपर। फिर मैंने पानी ऐड किया थोड़ा, ताकि ऑनियन थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। मेरा ग्रेवी जैसा बन गया। अभी मैं कटा हुआ पोटैटो इसमें ऐड कर रही हूँ। पोटैटो में उसका पोटैटो उसमें अच्छे से मिल जाए। उसके बाद हम इसको ढक के पकाएंगे। और अच्छे से मिल गया है। इसमें मैंने फ्राई किया हुआ फिश ऐड कर दिया। इसको अच्छे से आप मिला लीजिए, ताकि ये फिश नहीं टूटेगा, क्योंकि ये फ्राई किया हुआ फिश है। मैं ऐड कर रही हूँ ब्लेंड किया हुआ मसाला। फिर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसको भूनने से ये कड़वा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मस्टर्ड सीड मैंने ऐड किया है। इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर रही हूँ। आपको अगर ग्रेवी चाहिए तो आप अपने हिसाब से रखिए ग्रेवी के लिए, नहीं तो उसमें आप करी के लिए पानी भी ऐड कर सकते हैं ज़्यादा। इसको हम कुछ टाइम के लिए पकने छोड़ देंगे, ताकि इसमें अच्छी तरह मसाला ऐड हो जाए। फिर से पानी ऐड कर रही हूँ। अभी अच्छे से पक गया है। यह हमारा रेडी हो गया फिश करी। थैंक यू फ्रेंड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।